हॉबी आइडियाज में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं टेलरिंग सीरीज में छह कली का साया का कटिंग और सिलाई करना सिखाऊंगा। तो चलिए सीखते हैं पेटीकोट का सिलाई और कटिंग सीखना। छह कली के साया काटने के लिए सिर्फ आपको जो है सो कमर और लंबाई की आवश्यकता होती है, कमर 35 और लंबाई 34। अब चलिए अब सीखते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं। पहले सबसे पहले इस कपड़े को खोल देते हैं और वैसे लंबाई में मोड़ते हैं। लंबाई इसकी 34 है तो 34 पे इसको सेट करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप इस किनारे से लेकर रेडी। अभी यहाँ से इसकी लंबाई जो है 34 पे सेट करते हैं। कपड़े के कोर को देख लेते हैं उल्टा और सीधा, तो ये उल्टा की ओर से इसे मोड़ते हैं और उल्टा इस साइड में रहना चाहिए निशान के लिए। और इसकी लंबाई जो है अब यहाँ से 34 पे सेट करते हैं। अब इस कपड़े को 34 इंच पे सेट कर दिए पूरा, और जो ये बचे हुए कपड़े हैं इसको कटिंग करते हैं, और बाकी जो कपड़े हैं एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है ये कमर के पट्टी के लिए इसको रख देते हैं। कपड़े हैं ये 34 इंच के जो सेट हैं इनको जो है पूरा ऐसे मोड़ेंगे, इधर से 1.5 इंच छोड़कर। अब ये 1.5 इंच जो कपड़ा है ये कमर की डोरी के लिए काटेंगे। अभी ये कमर के डोरी के लिए निकल गया। अभी ये कपड़ा जो है सो 4 फोल्ड में हो गया, 2 फोल्ड ऊपर 2 फोल्ड उसके नीचे ये मोड़ दिया गया। ये बंद भाग जो है सो राइट हैंड साइड में है और खुला भाग इधर की ओर है, तो ये 2 बंद भाग को इधर रखें और पूरा बंद भाग इधर एक साइड में है। अब पूरे कपड़े को जो है सो ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो माप है ये कमर जो है 35 है और लंबाई 34 है, तो 35 को जो है 8 से जो है डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे इसको। तो आपने 35 को 8 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 4.37। तो लेते हैं यहाँ पे 4 और 37 लगभग जो है सो ये 4.5 से 1 पॉइंट कम रहेगा। ये जो 4 खंड है 1/2 इंच में जो 4 खंड है इसको सूता भी बोलते हैं, तो इससे जो है सो 1 खंड कम रहेगा। और सिलाई के लिए 1/2 इंच इसमें ऐड कर देते हैं 300। इसके अपोजिट जो है उतना ही निशान लगा लेते हैं। अब इस दोनों निशान को आपस में स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद अब इसे कटिंग करेंगे।
अब इधर ये दो कली बड़ी सी और नीचे में ये चार कली, दो और दो चार कली, इधर दोनों मिलके छह कली हो गए। अब इसमें कॉर्नर को काटेंगे। इन सब को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे एक साइज से। ये पूरे छह कली सब एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देंगे। ऐसे अरेंज करने के बाद अब इसको ऐसे मोड़ के इस खड़े वाले हिस्से से ये बराबर करेंगे ऊपर से नीचे की ओर, और यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगने के बाद अब इसे हटाएंगे और स्केल की सहायता से इसे निशान लगा देंगे कटिंग के लिए। अब इसे निशान पे कटिंग करेंगे। अब ये जो ज्वाइंट वाले हिस्से हैं इनको कटिंग करके अलग अलग करेंगे। ये चार कली अलग हो गए कली, और ये दो बड़े वाले, ये दो बड़े वाले अलग हो गए। ये देखिए ये दो बड़ी कली अलग, और ये चार जो है छोटी वाली कली अलग हो गए। एक दो और ये दो, चार चार और दो छः। तो इस तरह से आपने देखा कि छः कली का साया कैसे कटा। अब इसे चलते हैं सिलने के लिए। ये जो बड़ी वाली कली है इस पे एक छोटी वाली कली को यहाँ पे सीधा साइड में, और इस कली का उल्टा साइड ऊपर की ओर होना चाहिए। सीधा में सीधा को सटाते हैं, और ये देखिए तिरछा जो होता है तिरछे को आड़ा बोलते हैं और सीधे को खड़ा। यहाँ देखिए एक साइड खड़ा है और एक साइड आड़ा है। तिरछा को आड़ा और सीधा को खड़ा बोलते हैं। तो ये बड़ी वाली कली में दोनों साइड आड़ा है यानी तिरछा है। तो एक छोटी वाली का एक खड़ा और बड़े वाले का एक आड़ा, दोनों को ऐसे मिलाते हैं ऊपर की ओर से। और अब इसे बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई चलाएंगे तीन सूत अंदर हटके। अब एक आड़ा और एक खाड़ा, चौड़ा वाला का आड़ा और पतला वाला का खाड़ा ऐसे लेते हैं और इसको सिलाई मशीन में चाक से लगाते हैं तीन सूत की दूरी पे। दिखा रहे अब देख रहे हैं कि एक जो चौड़ा वाला कली है उसमें ये पतला वाला कली जुड़ गया। अब साइड भी इस साइड में एक पट्टी जुड़ेंगे। अब दूसरी साइड एक चौड़े वाले में एक पतले वाले की खड़ा, चौड़े वाले के दोनों साइड आड़ा होता है मैंने बताया था। अब इस आड़ा में एक खड़ा जो है सो ऐसे जोड़ेंगे। अब ये छोटा वाला पट्टी रख दिए चौड़े वाले पे, बड़े वाले पे। अब इसको पलट लेंगे। ये पलटने के बाद अब सिलाई करेंगे। अब इस तरह से इसको भी जोड़ेंगे। से दोनों साइड जुड़ गया। आप देख रहे हैं ये दोनों साइड चौड़ी वाली पट्टी में
दोनों साइड पतली वाली पट्टी जुड़ गई इधर से। अब इसी तरह से एक और चौड़े वाले में फिर एक चौड़ा वाला लिए और उसमें एक पतला वाला को साइड से इधर जोड़ेंगे, एक इधर जोड़ेंगे। एक तरफ जुड़ा गया, फिर दूसरे तरफ दूसरे पार्ट में भी ये छोटा वाला कली जोड़ेंगे। इस तरह से देख रहे हैं कि एक चौड़ी पट्टी में दोनों साइड जिसमें आड़ा था तो दोनों छोटी पट्टी एक आड़ा दोनों साइड जुड़ चुका है, दो तैयार होते हैं, तीन इसमें जुड़ा और तीन यहाँ पे जुड़ा। अब दोनों के ये सीधा हो गया, इधर उल्टा है, उल्टे साइड में सिलाई है और सीधा हो गया इधर, और इसका जो है सो सीधा यहाँ हो गया। अब इसके सीधे में इसके सीधे को ऐसे जोड़ते हैं, दोनों को मिला लेते हैं इस तरह, दोनों के सीधे को लेकर एक दूसरे की तरफ सटाते हुए और यहाँ से पूरी सिलाई कर देंगे और दूसरे साइड यहाँ 4 इंच छोड़कर सिलाई करेंगे। तो चलिए सिलते हैं इसको। एक छोटा सा भाग से एक दूसरा भाग, एक भाग और एक दो भाग को दोनों को आपस में जोड़ते हैं। देख रहे हैं ये सारी कली जो है सो इस एक दूसरे में जुड़ गई 6 कली। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2.5 इंच या 2 इंच पे ऐसे मोड़ेंगे, एक बार ऐसे फिर एक बार ऐसे, और इसको सिलेंगे। अभी इतना 2.5 इंच सिला चुका, अब दूसरे साइड में भी 2.5 इंच सिलेंगे। अब इस तरह जितना सिला हुआ है उतना ही भाग यहाँ से निशान लगा लेते हैं, ऐसे निशान लगा लिए। अब यहाँ इसको भी इस साइड दूसरे साइड को भी मोड़ेंगे इतना। पहले इसको 3 सूता यहाँ से मोड़ते हैं, चौड़ा से पतला करते हैं, फिर इसको एक बार और मोड़ लेंगे ऐसे। ऐसे मोड़ने के बाद अब इसको सिलाई करते हैं। अब चलेंगे ये कमर के पट्टी जो काट के निकला हुआ था इसको जो है सो अब साये में जोड़ते हैं। अब ये सिले हुए साये के जो किनारे में मोड़े हैं वहां से ये कमर की पट्टी के को लेते हैं और इसका उल्टा और इसका उल्टा एक साइड में ही रहेगा, यहां से इसको बराबर पढ़ते हैं लेते हैं और इसको सिलना शुरू करते हैं। अब इस तरह से ये कमर की पट्टी जो है सो इसमें जुड़ गई है, 6 इंच कमर की पट्टी उल्टे साइड से जोड़े हैं। अब सीधे साइड की ओर इसको मोड़ा जाए, देखिए ये सीधा साइड है। अब ये पेटीकोट का जो है सीधा वाला भाग और उल्टा भाग की ओर से जो पट्टी जोड़े हैं तो सीधे भाग की ओर पट्टी को मोड़ेंगे। कैसे मोड़ेंगे देखिए, तो इस तरह से इसको मोड़ने के बाद इसके ऊपर रखते हैं और रख कर यहाँ से बराबर कर देते हैं, बराबर करके यहाँ सिलते हैं।
अब बिल्कुल किनारे पर सिलाई होनी चाहिए, बिल्कुल किनारे पर सिलना है, बिल्कुल एज पे, बिल्कुल किनारे एज पे सिलाई होनी चाहिए। अब इस तरह से पट्टी जुड़ने के बाद एक लाइन और इसके बगल से चलाएंगे, जैसे कि एक लाइन सिलाई हो चुका है, इसके बगल में एक लाइन और चलाएंगे। देखिए एक चाप की दूरी यानी दो सूत हट के और एक लाइन और चलाएंगे यहाँ। देख इतना अच्छा दिखेगा ये, देखिए डबल लाइन कितना खूबसूरत दिख रहा है। ऐसे डबल लाइन चल गया, पट्टी कमर का पट्टी जो है ये जुड़ गया। अब देख रहे हैं कि ये दो कमर का पट्टी के दोनों पकड़ के दोनों साइड से, और ये जो सिला हुआ था 2.5 इंच यहाँ से दोनों को सटाकर और यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से ये आप देख रहे हैं पेटीकोट का जो है सूत, दोनों पल्ले 6 कली जुड़ गई है आपस में। अब नीचे में यहाँ मोहरी बनाएंगे, मोहरी बनाने के लिए इसको इसे करेंगे, खोलेंगे और इसको सीधा कर देंगे। ये पेटीकोट सीधा हो गया, सीधा होने के बाद मोहरी सिलने से पहले इसको पहले 1/2 इंच जो है ऐसे नेल से ऐसे निशान लगा देंगे, ऐसे नेल से 1/2 इंच पे निशान लगा देंगे, इसे मोड़ देंगे, फिर इसको यहाँ से पूरे जो है आपको 2 इंच पे, पूरे 2 इंच पे इसको मोड़ेंगे, 2 इंच पे मोड़ के रखेंगे। तो इस तरह से ये मोहरी को जो है सिलते हैं। तो इस तरह से ये पेटीकोट की मोहरी सिल गई। सिलने के लिए पहले ये जो 1.5 इंच का जो खींचे हैं, कटिंग किए हैं, इसको पहले एक साइड से इसे मोड़ेंगे और निशान लगा लेंगे, फिर दूसरे साइड से इसके ऊपर में ऐसे रख के और इसको निशान लगा लेंगे। अब इसके को सिलाई करते हैं, बस सेंटर में सिलेंगे। इस तरह से ये डोरी सेंटर में एक ही सिलाई से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से ये डोरी हो गया, पेटीकोट का डोरी हो गया। तो इस तरह से ये छोरी हो गया और ये पेटीकोट सिलकर तैयार हो गया। अब इसमें छोरी लगा लेंगे और ये पेटीकोट आपका जो है कंप्लीट हो गया, 6 कली का पेटीकोट। तो ऐसे ये पेटीकोट आपका सिलकर तैयार हो गया, 6 कली का साया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और सिलाई के सीरीज में बने रहेंगे तो आगे भी आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा कपड़े की सिलाई की, और टेलरिंग सीरीज में जितने भी टेलरिंग के मटेरियल होते हैं सब आपको बारी बारी से बताता रहूँगा। धन्यवाद।